జమ్మూ కశ్మీర్ అభివృద్ధికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయంటోంది పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ నుంచి వచ్చిన ఓ మహిళ. కశ్మీర్కు పీఓకే నుంచి వలస వచ్చిన సోమా సదఫ్ జమ్మూ కశ్మీర్ డిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో పోటీ పడుతోంది. ఆరో దశ పోలింగ్ నిన్న జరిగింది. నార్త్ కశ్మీర్ కుప్వారాలోని ఓ పోలింగ్ సెంటర్లో ఆమె ఓటు వేసింది. పదేళ్ల కిందట తాము పీఓకే నుంచి వచ్చామని, కశ్మీర్ మరింతగా డెవలప్ కావాల్సి ఉందన్నారు. గెలిస్తే మహిళల సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లు ఏర్పాటు చేయడంలో కృషి చేస్తానంది, ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు అందేలా చూస్తామని చెప్పింది. ये इलेक्शन मैंने इसलिए किया कि मैं, क्योंकि जब हम लोग आए तो जब इंसान एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी स्टार्ट करनी होती है वो बहुत टफ होती है. तो उस वक़्त हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया. तो फिर मुझे गवर्नमेंट का यहाँ प्रोग्राम एक चल रहा है, JKSRLM उम्मीद उसे कहते हैं, तो वो मुझे मंच एक मिला जहाँ से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की दोबारा से नए सिरे से शुरुआत की. शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोगों ने तरक्की की, मेहनत की, काम किया, लेकिन तरक्की भी हुई. तो उसी में जब हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वहीं मुझे मशवरा दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ो, तो फिर मैं सामने आई. तो जहाँ तक DDC इंतखाबात की बात है, जो DDC इंतखाब हो रहे हैं काफ़ी फेजों पर मुश्तमिल है, ये खुशाइंद कदम है मरकजी सरकार की तरफ से. जो वादे जो दावे किए गए थे, लग रहा है कि वो ग्रासरूट डेमोक्रेसी को पूरा करने में मरकज अपने दावे और वादे निभा रही है. हमें उम्मीद है कि ये जो DDC इंतखाबात है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और भी लेंगे. खासकर जो उम्मीदवारों की बात हम करें, हमें लगता है कि अब कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे कश्मीर में जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हर किसी तबके से, हर किसी पेशे से, शोबे से जो लोग हैं वो DDC इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं.